हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। सो कई ढेर सारे बच्चे थे जो बोल रहे थे, सर मुझे ऑनलाइन पैसे कमाना है, कुछ ऐसा स्टेप्स बताइए। तो मैंने कई बार बताया आपको कि अपवर्क के थ्रू कर सकते हो, freelancing.com के थ्रू कर सकते हो, fiverr.com के थ्रू कर सकते हो, ऐसे बहुत ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। बट जो सबसे अच्छे हैं उनमें से एक प्लेटफॉर्म है अपवर्क और दूसरा है fiverr.com। ये दो एक अच्छे प्लेटफॉर्म है, इस पर लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। इनके माध्यम से आप ऑनलाइन काम ले सकते हो। कई लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में, कई लोग तो जानते होंगे कि आप इंटरनेट के माध्यम से बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, पहले छोटे छोटे जो फ्रीलांसर्स हैं उनके काम लेके आप उनको सबमिट कर सकते हो और वो आपको उसके बदले में एक अच्छा अमाउंट पे करते हैं। यहाँ पर एक बार अगर आपका क्लाइंट बन गया तो क्लाइंट आपके लिए लाइफ टाइम वर्क करेगा। मतलब जब आप चाहोगे आप उससे कांटेक्ट में आ गए, तो अगर आपने अच्छा काम करके दे दिया, तो सपोज मैंने अपना काम डाला कि मुझे एक प्लान चाहिए और मैंने टारगेट डाल दिया कि 24 आवर्स में, आपने बना के दे दिया उस प्लान को, आपने बना के दे दिया। अब क्या हो गया, मुझे अच्छा लगा प्लान, कम पैसे में आपने करके दे दिया, अब मेरी आपसे कनेक्टिविटी हो गई। अब मैं डायरेक्ट आपको कॉल कर लूंगा या फिर यहाँ पर करूंगा, फटाफट आपको काम देता जाऊंगा क्योंकि मुझे आपका काम पता है। अब ये काम इतना भी आसान नहीं होता है, क्यों, इसके अंदर फॉरेन के लोग हैं, ठीक है, वो लोग आपको काम देते हैं तो वो लोग अच्छा अमाउंट पे करते हैं ड्यू टू करेंसी, ठीक है, डॉलर में दे रहे हैं तो आपको रुपीज में लाइक मिल रहा है तो उनको सस्ता लगता है कि आपको काम दे, तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो अपवर्क के माध्यम से। तो आज का वीडियो पूरा डेडिकेट करता हूँ अपवर्क पे, पहले भी मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, इसलिए मैं आगे से ये स्टार्ट कर रहा हूँ। एक वीडियो और बनाऊंगा fiverr.com के बारे में, तो अगर आपको चाहिए कि मैं fiverr.com पे भी बताऊं तो उसके लिए यहाँ पर नीचे लिखना fiverr.com fiverr.com fiverr.com। अगर आप लोग fiverr.com के ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो उसका भी बनाऊंगा। आज का वीडियो डेडिकेट करते हैं अपवर्क पे। ये एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म में से, एक अच्छा प्लेटफॉर्म में से अगर बोला जाए तो पहले और दूसरे नंबर पे रैंक करता है। इस पर फ्रॉड नहीं है, ठीक है, सब सब कुछ लगभग जेन्युइन है, ठीक है, लेकिन फ्रॉड इंसान हर जगह थोड़े बहुत एंट्री कर ही लेते हैं, तो बच के करना है। कैसे करना है चलो बताते हैं। आप सबके पास, सबको पता होगा upwork.com बहुत बड़ी वेबसाइट, वैसे सबको पता होगा जीमेल पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, जीमेल का अकाउंट सबका होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, अकाउंट लॉगिन अगर आपने कर रखा है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर लीजिए। जो नए लोग हैं उनको जस्ट गेट योर फ्री अकाउंट, इस पर क्लिक कर देना है, बड़ा आसान स्टेप है। अरे मेरा एक्चुअली मेरा लॉगिन है, ठीक है, ये मेरा स्टूडेंट है आरिस, अच्छा स्टूडेंट है, ये स्ट्रक्चर में काम भी कर रहा है, अभी इसने स्टार्ट किया, मुझे ईमेल आईडी वगैरह से कुछ इसी ने दिया कि सर मेरा बनाइए, तो मैंने कहा चलो एग्जाम्पल मिल जाएगा। कुछ नीचे उस पर क्लिक करेंगे तो पेज ऐसा खुलेगा, और ऐसा जब पेज खुलेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंटिन्यू विद गूगल कर लोगे तो बेटर रहता है क्योंकि फॉरगेट पासवर्ड वगैरह का लफड़ा नहीं रहेगा। जस्ट कंटिन्यू विद गूगल करोगे तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट जीमेल से कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके से आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। इसने अपनी प्रोफाइल वगैरह लगा रखी है, आपके में कुछ नहीं रहेगा तो आपको लगाना रहेगा। तो उसको लगाने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर व्यू प्रोफाइल या फिर यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए, या फिर व्यू प्रोफाइल पर क्लिक कर दीजिए। अब कोई भी इंसान होगा जब आपको काम देगा, मतलब सपोज मैंने आपको काम दिया, ठीक है, अब मैं काम आपको कब दूंगा, पहले आपके बारे में पता करूंगा ना कि आप किस क्वालिटी के इंसान हैं, आप काम कर पाएंगे, आपके पास नॉलेज कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। वैसे ही इस दुनिया में प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसका प्रोफाइल अच्छा है उसको देख के, जैसे एक बार देखेंगे अगर प्रोफाइल हाई फाई है तुरंत काम दे देंगे, भाई ये काम अच्छा करके देगा। प्रोफाइल नहीं अच्छा है तो काम 100 बार आपको बिडिंग करना पड़ेगा। बिडिंग इन द सेंस बिजनेस डेवलपमेंट के लिए को बोलते हैं बिडिंग, बिडिंग करते हैं यहाँ पर, बिडिंग में जिसको काम मिलता है वो काम को कंटिन्यू करता है, अभी दिखा दूंगा कैसे बिडिंग करते हैं। तो गाइज आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट प्रोफाइल बनाना है, मतलब पोस्ट बेस्ट प्रोफाइल यहाँ पर लिखना है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है आई एम आरिस, ठीक है, लाइक इन्होंने एमटेक किया हुआ है, स्ट्रक्चर में किया हुआ है, G+5 के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी इन्होंने किया है, इनको इंडियन अमेरिकन एंड ब्रिटिश कोड का नॉलेज है। आप भी अपने शब्दों में अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन कर लो कि आप कौन हो, ठीक है। मैं एक सैंपल बनाया हूँ, इन्हीं के लिए बनाया था कि कैसे इम्प्रेसिव थोड़े से वर्ड यूज करके, जैसे इंग्लिश में भी होता थोड़ा सा है, जैसे हिंदी के कुछ अच्छे शब्द, वैसे ही इंग्लिश के कुछ ऐसे शब्दावली जो थोड़े अट्रैक्टिव हों उनको यूज किया जिससे कि अच्छी प्रोफाइल बन सके। तो उसमें दो प्रोफाइल बनाया हुआ है, एक ये है आपका कवर लेटर और ये है प्रोफाइल, ठीक है। कवर लेटर और प्रोफाइल में डिफरेंस क्या है भाई, कवर लेटर जो रहेगा वो जब किसी के काम आएगा तो उसको शेयर करेंगे, और ये प्रोफाइल मतलब यहाँ पर जो लिखने के लिए,
तो प्रोफाइल में जो मैंने बनाया हुआ है, पहले मैंने भी अकाउंट बनाया था तो मैंने यही यूज किया था। तो आई एम एंथुसिएस्टिक एंड हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल, अगर आप अकेले काम करते हो तो, हु इज क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएट विद द बीइंग अ सिविल इंजीनियर। अगर स्ट्रक्चर का काम कर रहे तो स्ट्रक्चर, मेरे जितने बच्चे जो उन्होंने ऑल इन वन और बीम या फिर ऑल इन वन या बीम कंप्लीट कर लिया है, सब लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हो आराम से, क्योंकि मैंने उसमें सब कुछ बता दिया है जो रिक्वायर्ड है। आई हैव अ पर्सनली, जो भी आपके पास है आप यहाँ पे लिख लीजिए, मैं ये शेयर कर दूंगा आपके लिए प्रोफाइल। मैं चाहूंगा आप सभी लोग अकाउंट बना लीजिए, और आपको क्या क्या काम आता है, तो मैंने जो जो मुझे काम आते हैं वो मैंने लिख रखे हैं कि मुझे क्लाइंट से डिस्कस करना है, स्केचिंग करना, ड्राइंग करना, स्ट्रक्चर की एनालिसिस करना, इंटीरियर डिजाइनिंग करना, जो जो मुझे आता है मैंने सारा लिख के, आई हैव एक्सीलेंट कॉमर्शियल अप्रोच टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, एनी के ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप बड़े कंपनीज के लिए अप्लाई करते हो, तो यू विल बी ग्लेड इफ यू हायर मी। तो ऐसा करके लिखो और ये आपका प्रोफाइल हो जाएगा, तो कोई भी आपका प्रोफाइल में आएगा तो वो इम्प्रेस हो जाएगा कि यार सच में बंदा जो है अच्छा लग रहा है, मतलब इसके पास टैलेंट लग रहा है। तो इसके लिए आप प्रोफाइल बना सकते हो, एक कवर लेटर बना सकते हो। ये जरूरी नहीं कि सेम टू सेम मेरा ही कॉपी पेस्ट या फिर ये आरिश का कॉपी पेस्ट करो, बिल्कुल नहीं। ऐसा ही कुछ आप अपना बना लेना, ठीक है, ये दोनों मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ऐसा ही कुछ आप अपना बना लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। और वो सब कुछ ले आके यहाँ पर सबको जीमेल, आज के टाइम में सबको पता है कि यहाँ पे आना, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इंजीनियर या फिर जो भी आपकी प्रोफाइल है, आप 3D मॉड्यूलर हो, आपको रेविट आता है ना, तो रेविट मॉड्यूलर लिख लो। बीम पूरा आता है ना, तो बीम इंजीनियर लिख लो। जो आपको पूरा आता है उसके बाद ऑटोकैड आता है ना, तो ऑटोकैड इंजीनियर लिख लो। ड्राफ्टमैन लिख लो, जो आपको आता है वो पूरा यहाँ पर लिख लीजिए। उसके साथ ही साथ आपके पास वर्क हिस्ट्री, अगर कुछ लोगों ने काम किया है, छोटे छोटे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो आप अपना वर्क हिस्ट्री भी यहाँ पर ऐड कर लो कि भाई हमने ये काम किया है, ये काम किया है, ये काम किया है। अगर आपके पास अपना पोर्टफोलियो है, मैं हमेशा बोलता हूँ पोर्टफोलियो, यूट्यूब पे बता भी दिया है कि पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं, भाई पोर्टफोलियो यहाँ पर जरूर मेंशन कर लो, उसका बहुत इंप्रेशन पड़ता है। तो एक पोर्टफोलियो, वर्क हिस्ट्री अगर आपके पास है, तो प्राइस ₹5 से, $5 से $10, इंडियन लोग रुपी ही बोलते हैं ज्यादातर, $5 से $10। तो मैं आपको, इन्होंने $10 किया था तो मैंने $5 कर दिया, जिससे कि, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो प्रोजेक्ट ज्यादा मिले, कम पैसे लगाओगे तो ज्यादा प्रोजेक्ट मिलेंगे, तो इसलिए मैंने $5 पर आवर्स लगा दिया है। इंडियन रुपीज में अगर आप समझोगे तो लगभग ₹350 हुए घंटे के, तो आपके समझ सकते हो कि आप जो जॉब कर रहे हो उससे तो ज्यादा ही है, ठीक है। और आप चाहो तो, अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है, तो $10 पर आवर्स कर दो, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर वो है। तो आपकी जो भी एबिलिटी है, जो भी आपके पास कुछ वीडियोस टाइप में कुछ भी बनाया है अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, या पोर्टफोलियो वीडियो टाइप में बनाया है, वो ऐड कर दो। एजुकेशन ऐड कर दो, अपना लैंग्वेज ऐड कर दो, किस क्या आपको आता है, इंग्लिश स्ट्रांग आता है, बेसिक आता है, ये सब लिख दो, हिंदी आता है, जो भी आता है लिख दो, ठीक है। प्रॉपर अच्छे तरीके से प्रोफाइल अपना बना लेना आज के आज, अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन काम मिले तो, ठीक है। इतना डीप में कोई नहीं बताएगा, मैं प्रॉपर आपको, आरिज ने मेहनत करके अपना अकाउंट बनाया, इसका अकाउंट नहीं था, फिर इसको चाहिए था, तो इसी का टॉपिक भी था, तो इसने बनाया, उसके बाद मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। और इसके साथ यहाँ पर जैसे ही खोलोगे प्रेस को, ये तो मैंने प्रोफाइल इनका खोल रखा है यहाँ से, और जैसे ही मेन पेज पर आओगे, मतलब फाइंड वर्क वाले पेज पर आओगे, तो यहाँ पर आपको काम दिखेंगे गाइस। वीडियो लंबी होगी, अभी देखो, अगर लंबी वीडियो को सपोर्ट नहीं करोगे तो आगे लंबी वीडियो में नहीं बनाऊंगा, लंबी वीडियो को सपोर्ट करना पड़ेगा, टॉपिक खत्म करने के लिए भाई टाइम लगता है। और नेक्स्ट fiverr.com पे भी चाहिए ऐसा आपको, तो नीचे लिखना fiverr.com, तो अगला वीडियो fiverr.com पे कर देंगे, ऐसे काम आते जाएंगे। इसे लिखा है ना, मोस्ट रिसेंट फॉर यू, इस समय जो काम अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल है आइए देखते हैं। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो, अगर आपको ऑटोकैड आता है तो ऑटोकैड लिख दो, तो ऑटोकैड में जितना काम रहेगा वो सामने आ जाएगा। स्टेट प्रो आता है, स्टेट प्रो लिख दो, स्टेट प्रो में जितना काम रहेगा वो सामने आ जाएगा। ETFs आता है, रेबिट आता है, 3ds Max आता है, जिस चीज की स्किल्स है आपकी उसको लिख दीजिए तो उसके आ जाएंगे। बाकी जैसे फेसबुक पे होता है ना, मोस्ट रिसेंट जो भी आप लोग डालते हो उसके लिए, वैसे यहाँ पर भी होता है। देखो बिडिंग कैसे करते हैं, ये सब आपका कंप्लीट हो गया, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ये 100% सब कंप्लीट हो गया है, प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ। अभी एक काम आया हुआ है, कैट ड्राइंग ऑफ हुल पैनल, पैनल का एक कैट की ड्राइंग है। अगर आपको समझ में आता है कि वैसे मैकेनिकल का काम है ये हुल पैनल, बट अगर आपको समझ में आता है कि मैं कर सकता हूँ, तो आप इसके लिए वेडिंग कर सकते हो। नीचे है नीट डिजाइन व्हीकल बॉडी फ्रेम, व्हीकल के लिए आया हुआ है। यहाँ पर अलग अलग टाइप, देखो क्रिएटिव डिजाइनर चाहिए इनको, आर्किटेक्ट चाहिए, अगर आपको इस पे इंटरेस्टेड है तो इस पे करते हैं। इनको फ्लोर प्लान चाहिए, क्या चाहिए इनको, फ्लोर प्लान चाहिए। इन्होंने अपना पैसा भी बता रखा है कि $5 से $15 तक मैं अफोर्ड कर सकता हूं। तो अब अगर मान लीजिए मुझे इसके लिए बिडिंग करना है,
क्योंकि ये सिविल का है, तो इसके लिए बिडिंग करना है। तो कैसे बिडिंग, मतलब काम लेना है, अप्लाई करना है, तो बस इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये तुम्हारा डीप में आ जाएगा कि इनको भाई क्या क्या चाहिए, क्या कैसे कैसे चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने सब बता रखा है कि $5 से $15 तक पे कर सकता हूँ, लेस देन अ मंथ में आपको इसको प्रोजेक्ट को करना है। इंटरमीडिएट लेवल का बंदा चाहिए, बहुत हाई लेवल का नहीं, क्योंकि हाई लेवल वाला कम पैसे काम नहीं करेगा। 1 घंटा पहले काम स्टार्ट आया है, तो इस तरह के काम अगर जो 1 घंटे पहले आए हैं, 2 घंटे पहले आए हैं, मिलने के चांस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि इसमें देखो अभी तक केवल दो रिक्वायर्ड कनेक्टेड, केवल दो लोगों ने ही अपना प्रपोजल ऐड किया हुआ है। अभी थोड़ी देर बाद देखोगे तो बहुत लोग अप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आपको जो भी चाहिए रेसिडेंशियल पे इनका काम करना है, और इंटीरियर का काम है, 2D डिजाइन का काम है। चलिए आपने देख लिया कि इसकी रिक्वायरमेंट है, नीचे आइए और यहाँ पर देखिए कि और कुछ चाहिए इनको, नहीं कुछ और नहीं चाहिए। अब डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबमिट अ प्रपोजल, ठीक है। यहाँ पर जैसे सबमिट अ प्रपोजल पर क्लिक करोगे तो ये तुरंत आपके सामने एक दूसरा पेज खुल के आ जाएगा, जिस पेज में आपको क्या दिखा रहा है, दिस प्रपोजल रिक्वायर्ड 2 कनेक्ट्स, ये पेड है, ठीक है, ये पेड है। और उसके बाद यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप चाहो तो स्पेशलाइज प्रोफाइल पर क्लिक करके इसको क्या बोलते हैं अप्लाई कर सकते हो, बट हम पेड वाला नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में आपको फ्री वाला ही करना चाहिए, तो दूसरा प्लान देखेंगे। और ठीक है, कुछ ऐसे रहेंगे जो कि पेड रहेंगे, जो अपवर्क की तरफ से पेड रहते हैं, कुछ ऐसे रहेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। तो मैं यही बोलूंगा कि जो स्टार्टिंग में लोग करेंगे सब फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए इनके लिए अप्लाई करना है, या फिर यहाँ पर सर्च कर लीजिए आप ऑटो कैड, मुझे ऑटो कैड पर काम चाहिए। अब एक ऑटो कैड पे देखा तो इनको एक इन सिविल इंजीनियर चाहिए, इनको चाहिए कैड, और इनका तो आ गया, इनका भी हो गया। अभी जो इसमें लेटेस्ट है सारे यही सारे टॉपिक्स पे चल रहे हैं, जैसे इनको चाहिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर इनको चाहिए। मैंने कहा तो मेरे काम की चीज आ गई, और 2 घंटे पहले ही पोस्ट हुआ है, इसलिए भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर देख लो कि इनके प्रपोजल आ चुके हैं थोड़े बहुत, इनको स्ट्रक्चर इंजीनियर चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए, और इनका प्राइस अच्छा है, $65 में ये काम आपको सबमिट करने मतलब करना है। अब $65 × 70 कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना आएगा। बस यहाँ पर क्या करना है, आपको जस्ट क्लिक कर देना है और सबमिट प्रपोजल, प्रपोजल आपका क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। या फिर आप चाहते हो कि बाद में मैं करूंगा तो यहाँ पर सेव कर लो, आपके वहाँ पर प्रोफाइल में सेव रहेगा ये काम, और उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल पर के प्रपोजल पर क्लिक कर दोगे तो ये आपके सामने यहाँ पर प्रपोजल आ जाएगा। और इसी तरीके से देखो यहाँ पर रेसिडेंशियल के लिए है, यहाँ पर इनको ये चाहिए था, इनका ये है, आप देखो इन्होंने क्या लिख रखा है, सब पूरा इनका पेज आ गया है, ये यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो आप। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि मुझे बता दो कि आप अपने बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता दो कि हाउ मेनी माइल स्टोन इंक्लूडेड, और कितने दिन में आप इसको सबमिट कर सकते हो काम को, कितना अमाउंट आप चार्ज करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है कितना अमाउंट चार्ज करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर कवर लेटर आप लिख दो, कवर लेटर यही जो पहले बनाया था, ये कवर लेटर आप अपना कॉपी कर लीजिए या फिर रख लीजिए, और डायरेक्ट इस कवर लेटर को यहाँ पर कर दीजिए। कुछ आपने पहले प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं या फिर पोर्टफोलियो बना रखा है तो यहाँ से अपलोड कर दीजिए, इससे इसको भरोसा हो जाए कि नहीं भाई ये बंदा जेन्युइन है और ये काम को कर सकता है। उसके बाद सबमिट अ प्रपोजल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे प्रपोजल पे, उसके बाद ही उसके पास ये प्रपोजल पहुंच जाएगा, फिर वो सारे लोगों का प्रपोजल देखेगा जितने लोगों ने अप्लाई किया रहेगा, और जैसे ही आपका प्रपोजल अच्छा लगता है आपको वो मैसेज करेगा, और मैसेज में आपको मिल जाएगा हे आई वांट टू टॉक विथ यू, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से आपसे वो कांटेक्ट करेंगे। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है काम को फिर उनसे नेटवर्क बना लो और अपना काम धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दो। मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है एक एक प्रोसेस करके, फिर हाल आपको तब समझ में आएगा जब आप खुद से करके देखोगे। गाइस वीडियो लंबी हुई, थैंक यू सो मच, यहाँ तक आप लोगों ने देखा, इसका मतलब आप लोग चाहते हो कि आपका ऑनलाइन कुछ ना कुछ वर्क हो। देखो ऑनलाइन का टाइम आ चुका है, पूरा का पूरा सब काम ऑनलाइन हो रहा है, तो अगर आप लोग अभी से अपने आप को अपग्रेड कर लोगे तो बेनिफिट आपको ही होगा गाइस, और आगे तो इसका बहुत रिक्वायरमेंट होगा। पहले मैं बहुत अपवर्क पे काम करता था, फिर fiverr.com पे, अभी तो कॉन्टेक्ट हो गया इतने कि चलो आ जाता है प्रोजेक्ट हमें काम भर का, लेकिन अभी आपके पास कॉन्टेक्ट नहीं है तो अपवर्क और फिर fiverr.com आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में fiverr.com पे भी बनाओ सेम इसी तरीके से एक्सप्लेन करके, तो बता देना, fiverr.com पे भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस। जय हिंद, जय भारत, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मेरे जितने स्टूडेंट्स ऑल इन वन और बी में एनरोल किए हैं सभी प्रोजेक्ट्स कर सकते हो 100%, ये गारंटी मैं लेता हूँ। इसलिए आज ही अकाउंट सभी लोग बना लो, और अकाउंट बना के आज से बिडिंग करना स्टार्ट कर दो। ये ध्यान रखना, एक बिडिंग से आपको रिस्पांस नहीं आएगा, कम से कम 100 बार ऐसे सबमिट करने पड़ेंगे।
जब 100 बार करोगे तो 100 में से कोई ना कोई होगा जिसको आपका काम, आपका प्रोफाइल अच्छा लगेगा, वो आपसे कांटेक्ट करेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।